आपने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि लोग आके अस्थि विसर्जन करते हैं और वो अस्थि विसर्जन का स्थान यहाँ पे है। हरिद्वार आ रहे हैं इस नवंबर के महीने में, तो आपको अपने साथ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं देश दुनिया देख। इस ब्लॉग में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं हरिद्वार को और हरिद्वार में क्या क्या है देखने को, क्या क्या है दिखाने को। आइए चलिए शुरू करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको हरिद्वार का स्टेशन दिखा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत स्टेशन है, एकदम मंदिर के तर्ज पर बना है और आप देख सकते हैं सामने, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन। भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। अभी मैं जा रहा हूँ हरकी पौड़ी, जो कि यहाँ का प्रसिद्ध घाट है और माना जाता है कि भगवान विष्णु के पद के चिन्ह है यहाँ पे। और आप स्टेशन से जब आते हो तो देख लीजिए, यह जगह है जहाँ पे आपको उतरना है। सामने यह मनसा देवी मंदिर है और बाकी यह इस रास्ते से आप हरकी पौड़ी जाएंगे। सामने एक टावर दिख रहा होगा आपको, यह जो टावर दिख रहा है यहीं पे आपको जाना है हरकी पौड़ी के लिए। स्टेशन से अगर आप ऑटो से आते हैं तो 5-7 मिनट लगने हैं आपको। यह कुंभ मेला क्षेत्र है, यहाँ भी एक गेस्ट हाउस है जहाँ पर आप ठहर सकते हैं। तो चलिए एक बार पता करेंगे गेस्ट हाउस के रेट क्या हैं। यह टूरिस्ट गेस्ट हाउस के नाम से है। यहाँ पे मैंने पता किया, यहाँ पे रूम 2000 रुपये से शुरू हैं और किसी सिंगल पर्सन को रूम नहीं मिलेगा, फैमिली वाले हैं तो ही मिलेगा। 24 घंटे का चेक इन चेकआउट टाइम इन्होंने मुझे बताया। यह है गऊ घाट। हम आए हैं इधर से, इधर है सड़क और ये है माँ मनसा देवी मंदिर। तो चलिए चलेंगे, कोशिश करेंगे दर्शन करने की। हरिद्वार में थोड़ी थोड़े दूर पे, कम से कम 100-200 मीटर की दूरी पे इस तरह के ब्रिजेज बने हुए हैं जहाँ से आप नदी को पार कर सकते हैं और यह माँ गंगा। आगे आते हैं तो आपको राइट मोड़ना है, बाबा भोलेनाथ की मूर्ति है उस तरफ आपको जाना है। अगर आप चाहते हैं कि माँ गंगा के पास आप ठहरें तो ये सारे होटल यहाँ पे मौजूद हैं। साला है गंगा दर्शन, मैं ऊपर आया हूँ एक बार पता करें। देख लीजिए, ये डबल बेडरूम आपको 600 रुपये का मिल जाएगा गंगा दर्शन धर्मशाला में। आइए मैं एक बार दिखा देता हूँ अंकल जी यहाँ पे के एक हफ्ते से हैं ना अंकल जी, और ये लोग गोरखपुर से आए हैं। तो एक बार रूम कैसा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए डबल बेडरूम है और बाकी कूलर वगैरह, गर्मियों के दिन में आएंगे तो आपको कूलर की फैसिलिटी, पंखा वगैरह सब कुछ है, सारी चीजें, सारे सुविधाएं, खाने पीने की सारी सुविधाएं, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और समझे आप गंगा जी के पास आए हैं तो यहाँ पे कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और हम लोग तो एक हफ्ते से आकर के देखिए, अच्छा कि 600 रुपए की बात, हमने 500 रुपए देना शुरू किया। अच्छा अच्छा, और मैं 500 रुपया ही दे रहा हूँ। अच्छा, 500 रुपए में बात बन जाएगी एकदम यार, प्यार से। अच्छा, अटैच बाथरूम नहीं है लेकिन? अच्छा, ये ओहो ओहो, अटैच बाथरूम है। बाथरूम की कंडीशन भी ठीक ठाक है, नॉट सो बैड। मैंने आपको दिखा दिया रूम, रूम अच्छे हैं और आप रह सकते हैं इसमें। यही है कि गीजर नहीं मिलेगा आपको बाथरूम में, वॉशरूम में। लोगों का कहना है कि यहाँ तो माँ गंगा जब हैं तो फिर गीजर की क्या ज़रूरत है। 24 घंटे का यहाँ पे चेकिंग चेकआउट टाइम है और ठीक ठाक है, साफ़ सफाई ठीक ठाक लगी। देख लीजिए, यही है धर्मशाला गंगा दर्शन। 1, 2, 3, 4, 5 5 फ्लोर की बिल्डिंग है।
चलिए ये छोटी छोटी जानकारियां मैं आपको देता चल रहा हूँ ताकि जब कभी भी आप हरिद्वार आएँ तो आपको कोई परेशानी कोई कठिनाई ना हो, आपकी सहूलियत के लिए ये सारा कुछ है। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ताकि यह जानकारी उनके भी काम आ सके जब वो हरिद्वार आएँ। यह चोटी वाला रेस्टोरेंट आपको ऋषिकेश में भी मिलेगा और यहाँ पे हरिद्वार में भी हर की पौड़ी घाट के पास आपको मिल जाएगा देखने को। और यहाँ पे नदी की दो धाराएं हो गई हैं, एक उधर है आगे है और एक ये है। उधर की अपेक्षा ज़्यादा सुरक्षित है, सेफ है, देख सकते हैं लोगों को स्नान करते हुए। और सामने आप देख रहे हैं धनुष पुल और ठीक धनुष पुल के पास ही अस्थि प्रवाह घाट है। आपने फिल्मों में, आपने बहुत सारे हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि लोग आके अस्थि विसर्जन करते हैं और वो अस्थि विसर्जन का स्थान यहाँ पे है, अस्थि विसर्जन घाट ठीक धनुष पुल के सामने। पुल के पास पहुंच जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आप हर की पौड़ी घाट पे पहुंच गए। हम भी हर की पौड़ी घाट पे माँ गंगा को स्पर्श करें और अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें और अपने को पवित्र करें। हर हर गंगे। हरिद्वार आ रहे हैं इस नवंबर के महीने में तो आपको अपने साथ इस तरह से गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आना चाहिए क्योंकि भाई बहुत तेज़ हवा चल रही है और ठंडी लग रही है। आपको यह सामने माँ गंगा दिख रही हैं और ठीक उसके आगे बाबा भोलेनाथ, और वह जो ब्रिज आपको दिख रहा है केबल ब्रिज, वह मेन रास्ता है जो कि ऋषिकेश को और आगे हरिद्वार के बाकी हिस्से को सप्तऋषि रोड और कहें तो भारत माता मंदिर और ढेर सारे आश्रम बने हुए हैं उस रोड पे, उस तरफ जाता है। सामने कांगड़ा पुल है, चलिए आगे चले। और एक खास बात देख लीजिए, एक तो माँ गंगा की धारा इधर से आ रही है कांगड़ा पुल की तरफ से आगे की तरफ से, और दूसरी धारा जो है इधर से आ रही है दूसरी तरफ से, तो यहाँ पे माँ गंगा की ही धारा है दोनों, और दोनों धाराओं का यहाँ पे आके मिलन होता है हर की पौड़ी पे। एक तो यह धारा और दूसरी धारा यह, जो कि सामने से आ रही है आगे से होके। मैं कैमरा पैन करता हूँ, आप एक बार यहाँ का नज़ारा देखें। अब एक छोटी सी कहानी इस हर की पौड़ी की मैं आपको सुना देता हूँ। माना जाता है कि जब समुद्र मंथन में अमृत निकला था, विष को तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ में ले लिया, लेकिन जो अमृत निकला था उसके लिए लड़ाई हो गई देवताओं में और राक्षसों में। तो धन्वंतरी जिनके हाथ में अमृत का कलश था वह लेके यहाँ से पलायन करने लगे, और जब वह जाने लगे उनसे दूर लड़ाई क्षेत्र से दूर, तो कुछ बूंदे यहाँ पे हर की पौड़ी में गिर गई। और माना जाता है कि वह बूंदे जब यहाँ पे गिरी तो इस स्थान का निर्माण हुआ, और यह मान्यता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और हर की पौड़ी में स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप
धुल जाते हैं और आपको मोक्ष यानी मुक्ति मिल जाती है। छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि वह जानकारी आपके थ्रू बाकी लोगों के पास पहुंच सके, उनके काम आ सके। और यह देख रहे हैं, यह जो स्थान है यह है एक्चुअल में हर की पौड़ी, सामने यह हर की पौड़ी का घाट बना हुआ है। यहाँ जाने के लिए आपको जूते यहाँ पे जमा कराने होंगे, जो कि फ्री सेवा है, और यहाँ से जाके आप अपने घाट पे स्नान कर सकते हैं, बाकी पूजा ध्यान कर सकते हैं यहाँ पे। यह है राजा बिरला टावर, जो कि ढेर सारे हिंदी फिल्मों और टीवी सीरियल्स में दिखाया जा चुका है। हर हर गंगे, हर हर गंगे। इस ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ एंड। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए देश दुनिया देख। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।